एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम ओवरसाइज टी शर्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट बॉटम्स के साथ और डिफरेंट वेज में स्टाइल करने वाले हैं। इस वीडियो में हमारे पास कुछ 3 से 4 टी शर्ट्स हैं और कुछ अलग बॉटम्स हैं, जिनमें कि हम अलग अलग बॉटम्स के साथ अलग अलग वेज में ओवर साइज टी शर्ट्स को स्टाइल करेंगे और टक करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हुए हम बाकी सारी बातें करते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। फर्स्ट लुक इज दिस वन, इसको प्लेन ब्लैक जैगिन के साथ जस्ट एन ओवरसाइज टी शर्ट, पीछे से इसको हल्का सा ऊपर टक किया है, आगे से ओपन छोड़ा है। दिस इज द फर्स्ट लुक। एंड हियर इज द सेकेंड लुक, इसमें हमने टी शर्ट को ऊपर टक किया है, पीछे से फ्री छोड़ा हुआ है। Yes, that. और प्लेन ब्लैक जैगिन ही है, बॉटम नहीं चेंज किया, ओनली सिर्फ ऊपर स्टाइल जैसे करते हैं उसको चेंज किया है। ओके, सो फॉर द थर्ड लुक, पीछे से टी शर्ट को ऐसे पकड़ लिया है एंड यहाँ आगे पतला सा रबर बैंड लेंगे एंड यहाँ पे ऐसे बस दो and tuck it in like this and here it's done. This is the third look. इसको थोड़ा सा like this, yeah, here. This is the third look. So for our next look, I have these flare pants. Loose hain and this white t-shirt. For this look, we'll just take our t-shirt and fold it up like so. It will kuch aise dikhegi t-shirt. Ye hamara next look. Yes. Okay, so for the next look, loose look ke, isme kuch nahi kiya hai. Bas white oversized t-shirt hai. लेफ्ट साइड से हल्का सा ऊपर फोल्ड किया है और राइट से फ्री छोड़ दिया है लाइक दिस ऐसा। एंड यस, दैट्स ऑल इट इज डन, योर टी शर्ट इज स्टाइल। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट साइड से हल्का सा ऊपर फोल्ड करना है एंड योर दैट्स डन बस। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई होप यू पीपल लाइक इट। 5 वेज आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे भी और भी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, सो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।